खाना बनाने से पहले इतना ये थोड़ी सोचते हैं कि आज मैं मम्मी से पूछूंगी कि मम्मी क्या भिंडी बन सकती है, ऐसी कॉन्वर्सेशन है, नॉर्मल सी बात है। दूसरे पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे कि कैसे वो इनिशिएट कर सकते हैं ये कॉन्वर्सेशन? बच्चे मेरे से वर्कशॉप में बात करने आएंगे कि मैम पीरियड पेन होता है बहुत, मम्मी मेडिसिन नहीं लेने देती। मेंस्ट्रुअल कप्स एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है, ये वो ओजी मेंस्ट्रुअल कप है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। नॉट जस्ट बिकॉज मैंने इसको यूज करना शुरू किया, बट ट्यूटर्स भी मैंने इसी की वजह से शुरू किया था। जो बच्चा जाके अपना पैड नहीं खरीद सकता तो वो कॉन्डम कहाँ से खरीदेगा? मोस्टली एसटीआईज में सिम्टम्स नहीं दिखते हैं तो लोगों को लगता है सब चंगा सी, और पता चलता है अंदर एकदम क्या है आपके सिस्टम में एकदम ही नॉन चंगा कर दिया है सब कुछ। 16-17 year old girl जिसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आएगी? वो सब तो करने की हिम्मत आ जाती है, बट जाके कॉन्डम खरीदना, टू फेस दैट केमिस्ट एंड टू फेस दोज आईज, वो कैसे हो? हमारी यंग गर्ल्स को बताइए, मेडिसिन खाने से कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं कि नहीं? 18 साल से पहले आप सब लीगल झमेले में फंस सकते हैं, आप खुद फंस सकते हैं, आपके पार्टनर फंस सकते हैं। थोड़ा सा ज्ञान हमारे लड़कों के लिए भी दे दे। क्या आपको मालूम है कि धरती पर इंसान का पहला घर यूट्रस होता है? और ये बताने वाली हमारी जो डॉक्टर हैं वो बहुत क्यूट हैं, इसीलिए वो फेमस हैं डॉक्टर क्यूट्रस के नाम से। 2 million के करीब उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, शी इज अ वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी। वो सारी बातें जिन्हें हम गंदी बात कहकर चैनल बदल देते हैं, हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, कोई भी बात अगर बच्चा पूछ ले सेक्स एजुकेशन के बारे में, उन्हें वो खुल के बताती हैं, ना केवल बताती हैं, मिथ्स ब्रेक करती हैं, हमें एजुकेट करती हैं और गाइड करती हैं कि सही तरीके से किस तरीके को, किस चीज को किस तरह से करना है। शी इज डॉक्टर तनया नरेंद्र, एन इंटरनेशनली ट्रेन्ड मेडिकल डॉक्टर, बेस्ट सेलिंग ऑथर, एम्ब्रियोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट। शी इज पैशनेट अबाउट मेडिकल एजुकेशन। After studying for a master's at the University of Oxford, she subsequently registered as a doctor in England and committed to making public medical education her life goal. She is an elected fellow of the prestigious Royal Society for Public Health. For her groundbreaking work in medical education, Tanaya has been honored with various awards in India and globally, including the Delhi Commission for Women, LA Magazine, Noble Citizen Foundation, IHW Council in support with Ayushman Bharat and Niti Aayog, and many others. Welcome, Tanaya, to Stories Matter. Okay, Tanaya, welcome to Stories Matter. Thank you, Auntie. I'm so happy to be here. Tanaya, I have seen a lot of your work, reels, videos, aur maine dekha hai ki aap Allahabad mein jami pali, par ye sab itna khul ke baat karne ki himmat kahan se aayi, saahas kaise aaya? So ye iski thodi background batao, yahan tak pahunchne mein Tanaya ko itni himmat kisne di? I think mere mummy papa dono fertility doctors hain, to us wajah se ये कॉन्वर्सेशन, मतलब मेरे घर में ना ये बोल्ड कॉन्वर्सेशन नहीं माना जाता है, ये नॉर्मल डे टू डे कॉन्वर्सेशन माना जाता है, बिकॉज पेशेंट्स को हम डिस्कस करते हैं, बिकॉज आई सपोज कभी ऐसा टैबू बना ही नहीं मेरे घर में। तो जब मैं स्कूल वगैरह जाती थी तो मैं वहां पे भी ऐसी बात करने लगती थी तो मुझे तो बहुत डांट पड़ती थी टीचर्स से, मुझे बहुत डांट पड़ती थी बाकी पेरेंट्स के, बाकी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये कुछ पब्लिक में बात करने वाली बात नहीं है। हाँ, वेरी ऑनेस्टली, मतलब इतना कंफर्टेबल रखा मेरे पेरेंट्स ने ये कॉन्वर्सेशन, दैट आई थिंक द क्रेडिट गोज टू देम एंटायरली। तो ये ही चीज आप दूसरे पेरेंट्स को के लिए क्या मैसेज देंगे कि कैसे वो इनिशिएट कर सकते हैं ये कॉन्वर्सेशन? इतनी बड़ी हवा नहीं है, मे बी दे आर नॉट क्वालिफाइड टू बी यू नो टॉकिंग ऑन दीज इश्यूज, बट हाउ कैन दे बिगिन और ब्रेक दिस आइस? आई थिंक द नंबर वन थिंग दैट वाज रियली हेल्पफुल फॉर मी पर्सनली वाज दैट दिस वाज नॉट द टॉक। ऐसे नहीं हुआ कि आज बेटा हम इस बारे में बात करेंगे, ऐसे मतलब इतना भूमिका नहीं बांधी गई, बनाना ही नहीं है बात को। हाँ, जैसे नॉर्मली मतलब खाना बनाने से पहले इतना ये थोड़ी सोचते हैं कि आज मैं मम्मी से पूछूंगी कि मम्मी क्या भिंडी बन सकती है, ऐसी कॉन्वर्सेशन है, नॉर्मल सी बात है।
तो बात तो एक्चुअली यही है कि जैसे बच्चे मेरे से वर्कशॉप में बात करने आएंगे कि मैम पीरियड पेन होता है बहुत और क्या करना चाहिए, मम्मी मेडिसिन नहीं लेने देती, तो आप हमारे यंग गर्ल्स को बताइए कि फर्स्ट थिंग पीरियड पेन होता क्यों है, और अगर हैवी ब्लीडिंग होती है तो क्या कर सकते हैं, नंबर 3 मेडिसिन खाने से कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं कि नहीं, और नंबर 4 कि पैड्स के अलावा इफ इट्स लाइक रियली हैवी ब्लीडिंग और आपको पूरा दिन स्कूल में रहना है तो और क्या यूज कर सकते हैं टू बी सेफ, सो जस्ट गाइड आर गर्ल्स। विल स्टार्ट विथ यूट्रस. हाँ सो दिस इज द यूट्रस. इतना बड़ा नहीं होता है यूट्रस, एक्चुअली हमारे फिस्ट के साइज का होता है, इतना बड़ा होता है. एंड यही ऑर्गन होता है जहां से पीरियड का ब्लड निकलता है, यही ऑर्गन होता है जिसमें से पीरियड आता है बेसिकली. एंड बेसिकली क्या होता है कि हर मंथ आपका यूट्रस अंदर एक लाइन ग्रो करता है, जैसे हमारी स्किन आउटसाइड होती है वैसे यूट्रस एक अंदर एक स्किन ग्रो करता है. एंड द पर्पस ऑफ दैट इज कि ताकि जो फ्यूचर में बेबी आए उसको नरिश करने के लिए, उसको पोषण देने के लिए, पालन पोषण के लिए. जैसे कि हर महीने हमारा बॉडी वेट कर रहा होता है कि प्रेग्नेंट हो जाएंगे प्रेग्नेंट हो जाएंगे. थैंकफुली ऐसा नहीं होता है, बट हर महीने हमारा बॉडी उसके लिए प्रिपेयर करता है. अब जब बेबी नहीं आता है थैंकफुली हर महीने, तो ये जो भी लाइनिंग बनाई है उसको यूट्रस डिस्कार्ड कर देता है, उसको उठा के फेंक देता है. उसको फेंकने के लिए हमारी बॉडी यूट्रस को ऐसे स्क्वीज करती है, कुछ केमिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिंस, वो यूट्रस को ऐसे नींबू की तरह निचोड़ देते हैं. एंड इस स्क्वीजिंग की वजह से हमें पीरियड पेन होता है. तो जब हम पीरियड पेन के लिए दवाइयां लेते हैं वो ये प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल थोड़ा कम कर देती है, इतना कम नहीं करती कि यूट्रस स्क्वीज ही नहीं होगा, बट थोड़ा कम कर देती है ताकि दर्द ना हो. एंड दैट्स व्हाई इट्स सेफ टू टेक दीज मेडिसिंस. अगर आपको अभी तक कोई एक्सक्यूज मी कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ हो इन पेन किलर से, यू कैन कंटिन्यू हैविंग देम. लोग बहुत घबराते हैं कि पेन किलर लेने से फ्लो कम हो जाता है. अगर फ्लू कम हो जाता है तो क्या दिक्कत है, ये तो अच्छी बात है. ऐसा तो है नहीं कि बॉडी कोई गंदा ब्लड या कोई टॉक्सिक ब्लड निकाल रही है पीरियड के टाइम पे, बस नॉर्मल ब्लड है. हार्ट कटने पे जो ब्लड आता है वही ब्लड है. तो अगर कम भी खून निकल रहा है तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है, कोई नुकसान की बात नहीं है. एंड ये दवाई खाई जा सकती है, ये फ्यूचर में आपकी फर्टिलिटी को हार्म नहीं करेगी. एंड हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा ना खाएं. अगर आपको इतना पेन हो रहा है कि दवाई से रिजॉल्व नहीं हो रहा है, देन इट्स टाइम टू सी योर डॉक्टर, बिकॉज काफी सारी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जो ये पेन बहुत जबरदस्त कर सकती है. एंड अगर आपका फ्लो कम नहीं है, अगर आपका फ्लो हेवी है, तो पैड्स तो हम सबने ट्राई किए हैं, बट उसके अलावा मेंस्ट्रुअल कप्स एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है. ये वो ओजी मेंस्ट्रुअल कप है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी. नॉट जस्ट बिकॉज मैंने इसको यूज करना शुरू किया, बट ट्यूटर्स भी मैंने इसी की वजह से शुरू किया था. सो बेसिकली ये वजाइना के अंदर ऐसे जाके बैठ जाते हैं, ये वजाइना के अंदर ऐसे जाके बैठ जाते हैं और ये ब्लड को सारा कलेक्ट कर लेते हैं. जब आपके आपका कप फुल हो जाए तो इसको बाहर निकाल के ब्लड निकाल दीजिए और फिर इसको वापस अंदर लगा दीजिए. इट्स अ वेरी सिंपल डिवाइस. एंड लोग बहुत घबराते हैं इससे कि इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा. ये बना होता है सिलिकॉन से, मेडिकल ग्रेड की सिलिकॉन से बना होता है, इसलिए फॉर इट टू कॉज एनी सीरियस इन्फेक्शन और साइड इफेक्ट्स इज वेरी अनलाइकली. विद दैट सेड, आपको इसको सही से यूज करना है, यानी 12 घंटे से ऊपर नहीं यूज करना है. यूज करने के बाद कायदे से रिंस करना है और साइकिल खत्म होने के बाद आपको उसको बॉइल करके रखना है. बॉइल करने से ये स्टेरिलाईज हो जाता है, सो दैट व्हेन इट गोज इनटू योर बॉडी अगेन इट इज सेफ टू यूज. इसके अलावा टैम्पन्स भी यूज कर सकते हैं और पीरियड अंडरवेयर भी यूज कर सकते हैं. थैंक यू। आई एम श्योर गर्ल्स आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड। तो आपने ये जो इन्फेक्शन की बात की, सो इट इज बेसिकली कि आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे, अगर आपने बाय चांस बॉयल नहीं किया या उसको स्टरलाइज नहीं किया और फिर से यूज कर लिया, या पैड्स को आप रेगुलरली चेंज नहीं कर रहे 6 आवरली और 4 आवरली डिपेंडिंग ऑन योर फ्लो, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो अब जब इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, सो एसटीडीज बेसिकली क्यों होती हैं और उनसे कैसे प्रोटेक्शन कैसे प्रोटेक्टेड रह सकते हैं? सो एक्सक्यूज मी, मेरा गला एकदम ही गया. जैसे मुझे अभी जुकाम हुआ है, मुझे जुकाम कैसे हुआ है, क्योंकि मुझे किसी से वायरस मिला है, वायरल फैला हुआ है, इन्फ्लुएंजा का सीजन है. तो जैसे ये वायरस मुझे कहीं भी जाके किसी से भी कांटेक्ट में आके मिल गया, इट डजंट नेसेसरीली हैव टू बी दैट मैं उनके मुंह के अंदर घुस जाऊं या मैं उनका खाना शेयर करूं.
वायरस ऐसे ही फैल जाता है एयरबोन तरीके से, वैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैल जाते हैं. यू डोंट हैव टू बी फुली सेक्सुअली एक्टिव टू गेट द इन्फेक्शन. कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो कॉन्टैक्ट से भी फैल सकते हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से. तो बेस्ट तरीका ये है कि आप कॉन्डम्स यूज करें. कॉन्डम्स आर दी ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव जो आपको एसटीआई से भी प्रोटेक्ट करता है और कॉन्ट्रासेप्शन का बेनिफिट भी देता है. कोई भी सेक्सुअल एक्ट हो, चाहे ओरल सेक्स हो, एनल सेक्स हो, वजाइनल सेक्स हो, हर किसी में कॉन्डम का यूज बहुत जरूरी है. एंड ये आपको बहुत प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज बहुत सारी एसटीआईज ऐसी होती है जिनके सिम्टम्स आते ही नहीं है. मोस्टली एसटीआईज में सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, तो लोगों को लगता है सब चंगा सी, और पता चलता है अंदर एकदम एसटीआई है गंदा हो आपके गया। सिस्टम में, एकदम ही नॉन चंगा कर दिया है सब कुछ. नहीं, आपने सो बोला कि कॉन्डम यूज करें। देखो, जो बच्चा जाके अपना एक पैड नहीं खरीद सकता और पेरेंट को ये नहीं बोल सकता कि मेरे पीरियड्स हैं, फादर को या ब्रदर को, कि मुझे एक पैड ला दो, तो वो कॉन्डम कहाँ से खरीदेगा? बताइए, इसका समाधान क्या है? मतलब एक लेट्स से 11th 12th की लड़की है, या आप कह लीजिए 16 17 ईयर ओल्ड गर्ल, जिसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आएगी? वो सब तो करने की हिम्मत आ जाती है, बट जाके कॉन्डम खरीदना, टू फेस दैट केमिस्ट एंड टू फेस दोज आईज, वो कैसे हो? ऑनलाइन आ जाए। पहले तो हाँ ऑनलाइन आ जाएगा, बट आई हैव टू बी कॉग्निजेंट दैट द एज फॉर कंसेंट इन इंडिया इज 18 साल. हाँ 18 साल से पहले आप सब लीगल झमेले में फंस सकते हैं, आप खुद फंस सकते हैं, आपके पार्टनर फंस सकते हैं. तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए, स्पेशली इफ योर पार्टनर ओल्डर, बहुत ज्यादा कलेश हो सकता है. सो एज फॉर कंसेंट इज देयर फॉर अ रीजन. एंड आई रियली रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट देयर इज एन एज फॉर कंसेंट. विद दैट सेट मैं जानती हूँ कि जस्ट बिकॉज मैं वो एज फॉर कंसेंट को रिस्पेक्ट करती हूँ, बाकी सब नहीं करते हैं. मैं जानती हूँ, मुझे पता है ग्राउंड रियलिटी क्या है, कि बहुत कुछ होता है. एक्सक्यूज मी. तो अगर आप किसी भी तरह से सेक्सुअली एक्टिव हैं, तो इतनी हिम्मत जरूर जुटा लीजिए कि आप कॉन्डम जरूर से खरीद लें, चाहे ऑन टाइम मंगवा लें, चाहे ब्लिंकिट पे मंगवा लें, डिलीवरी एप्स पे मंगवा लें. अब तो बहुत कुछ ईजी हो गया है, बट मेक श्योर यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ. बिकॉज एक एक कॉन्डम खरीदने की जो शर्म है ना, वो जो जरा सी मोमेंटरी शर्म होगी, वो आपको आगे बहुत झमेले से बचा देगी. क्योंकि डॉक्टर के पास जाना व्हेन यू हैव अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ऐसी इतना शेम का एनवायरनमेंट होता है हॉस्पिटल्स में. जनरली सेक्स पॉजिटिव डॉक्टर्स नहीं मिल पाते हैं सबको, तो वहां आपको इतना मतलब शर्म से ऐसे नंगा कर दिया जाएगा. इससे अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे शर्म को सॉलो करके आप डिलीवरी एप्स के थ्रू, ऑनलाइन कैसे भी, अपने कॉन्डम जरूर रखते हैं, बिकॉज इट इज द सिंगल बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेक्सुअल हेल्थ. आई थिंक ये एजुकेशन गर्ल्स को, या इवन आई थिंक हमारे यंग एडल्ट्स को देनी बहुत ज्यादा आवश्यक है, जिसके लिए डॉक्टर क्यूटरेस ने बहुत अच्छी बुक लिखी है। आई वुड रिकमेंड इट टू ईच एंड एवरी चाइल्ड, बिकॉज जो भी आंसर्स हम आज नहीं दे पाएंगे, इधर यू कैन वॉच हर रील्स और आप इसकी बुक पढ़ सकते हैं, बिकॉज हर कुछ इंफॉर्मेशन पेरेंट्स दे पाए या टीचर्स दे पाए ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए स्पेशलाइज्ड पीपल राइट बुक्स एंड यू शुड रीड दोज बुक्स, है ना? अच्छा, आई हैव टू मेंशन दिस हियर, दिस बुक वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट यू. अगर ओह आप नहीं होती तो श्रेया नहीं होती, श्रेया नहीं होती तो मेरे पास ईमेल नहीं आता कि वुड यू लाइक टू डू अ बुक विद अस. या वो वाला इंसिडेंट सुना, वो नानी वाला, आई रियली लाइक दैट, सो टेल आवर गर्ल्स अबाउट दिस। बड़ी कूल स्टोरी है, मुझे भी बहुत मजा आता है ये सब हाँ, तो सोच ये के. श्रेया तो वाला कैसे हुआ, ये मुझे, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आएगा। एक्सक्यूज मी. तो लड़कियां जब पैदा होती हैं, जब वो, मेरा मॉडल का है, जब वो यूट्रस के अंदर होती हैं और जब वो पैदा होती हैं, तो उनके शरीर में ऑलरेडी उनकी जिंदगी भर का एग का सप्लाई होता है. ऐसा नहीं होता है कि हम लाइफ में अपने एग्स डेवलप करते हैं, हम ऑलरेडी पैदा होते हैं लाइफ टाइम एग सप्लाई के साथ. तो इस बेबी के अंदर एग्स हैं, और इन्हीं एग से इस बेबी का आगे बेबी बनेगा. ऑफ कोर्स मतलब इस बेबी का जो एग रिलीज होएगा जब ये किसी उम्र की होगी, 30 35 साल की होगी, तब इसका एग जो रिलीज होएगा वो स्पर्म से मिलेगा, ये प्रेग्नेंट हो जाएगी. वो एग ऑलरेडी इसके अंदर है, और ये बेबी
अपनी मम्मी के यूट्रस के अंदर है। तो इस यूट्रस के अंदर फ्यूचर जनरेशन भी है, अपना बेबी तो है ही है, और उस बेबी के आगे की भी जनरेशन है। तो जैसे रशियन डॉल होता है, डॉल के अंदर डॉल, वैसे ही हम एक्चुअली होते हैं। हम अपनी मम्मी, हम अपनी नानी के पेट में, मैं अपनी नानी के पेट में रही होंगी वेन माई नानी वॉज प्रेगनेंट विद माई मदर, बिकॉज मेरी मम्मी की ओवरी के अंदर मैं अंडे के शेप में थी। माय गॉड, कितना कॉम्प्लिकेटेड और कितनी बड़ी बात है कि हम कब से कितना होते हैं एक्चुअली। कूल है ये। एंड मतलब आई थिंक इट जस्ट एक्सप्लेन्स अ लॉट अबाउट, मुझे लगता है अगर सारे बच्चे टीचर्स आपकी तरह पढ़ाएं बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में, एक स्टोरी की तरह, जैसे मैं स्टोरीज के थ्रू पढ़ाती हूँ, तो अपने आप ये टैबू हट जाए, वो उसको उस सेंस में ले ही ना कि ये कोई ऐसा श वाला मैटर है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। मैं एग्जैक्टली जब मेरे को स्टूडेंट पूछता था कि मैम डू यू थिंक हाउ डिड दिस हैपन, तो मैं कहती हूँ जैसे तुम धरती पे आए ऐसे ही बाकी आ रहे हैं। सो इसमें इतना अचंभे की क्या बात है भाई, नॉर्मल सी बात है जब सारी दुनिया ऐसे ही आती है। सो अगर हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दें इश्यूज को, तो इतना बड़ा टैबू हट जाएगा, है ना? तो वी नीड एब्सोल्युटली डॉक्टर क्यूटरस मोर ऑफन। ओके, तो एसटीडीज की बात करिए, अब थोड़ी यूटीआई का भी बता दो, वो भी आप बड़ा इंटरेस्टिंग सुनाते हो कि ऐसे हम एयरपोर्ट्स पे और पब्लिक ट्रांस टॉयलेट्स में जैसे खड़े होके लेडीज सोचती हैं अब हमें इन्फेक्शन नहीं होगा और फिर भी यूटीआई हो जाता है। थोड़ा यूटीआई का ज्ञान भी दे दिया जाए। जो हमारा तो मैं कैसे समझाऊँ, मेरे पास कोई है आइटम यहाँ पर, नहीं कुछ नहीं दिख रहा है। अक्सर हम जब पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं तो हम उसमें फुली बैठने की जगह हम ऐसे हवा में लटके रहते हैं, हाफ हाफ सिटिंग हाफ स्टैंडिंग, एंड दैट इज बैड। नॉट जस्ट बिकॉज पी ड्रिबल कर जाता है, हर जगह फैल जाता है, सही से एक्सट्रीम नहीं बनता है, बट ऑल्सो बिकॉज आपका जो पेल्विस होता है, जो जो बोन, ये वाला जो पार्ट होता है, वो बोन, भाई है हमारे पास ये जो पेल्विस होता है, इसके अंदर सारे ऑर्गन्स होते हैं, और यहाँ पे एक फ्लोर होता है, यहाँ पे बकायदा एक बैग जैसा होता है जिसमें आपके सारे ऑर्गन्स बैठे हैं। तो अगर बैग पे बहुत वजन पड़ेगा तो वो बैग का फ्लोर वीक हो जाएगा। वही होता है हमारे पेल्विक फ्लोर के साथ, कि हमारा पेल्विक फ्लोर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है जब हम हाफ स्टैंडिंग हाफ हवरिंग हाफ सिटिंग वाली पोजिशन में व्हेन वी पी, बिकॉज उसकी मसल्स वीक हो जाती हैं। एंड ओवर टाइम ये क्या हो सकता है कि आपका एक्सक्यूज मी, आपका पेल्विक फ्लोर इतना वीक हो जाए कि ऑर्गन्स बाहर गिरने लगे। इट इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, प्रोलैप्स बोलते हैं इसे, एंड ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती है। काफी सारे लोगों से आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, एवरी टाइम दे लाफ और दे स्नीज, थोड़ा सा पी निकल जाता है क्योंकि पेल्विक फ्लोर वीक हो जाता है प्रेगनेंसी। ओके ओके अब ये पेल्विक फ्लोर वीकनेस का एक सिम्टम होता है। तो इसी तरह से हम ओवर टाइम हम अपने पेल्विक फ्लोर को इतना वीक कर देते हैं दैट यू कैन रियली हैव योर ऑर्गन्स कमिंग आउट, प्रोलैप्स हो सकता है। दैट इज व्हाई यू रियली शुड नॉट स्टैंड एंड हवर लाइक दैट, यू शुड प्रॉपरली सिट डाउन। एक कुर्सी फंस गई है, सॉरी। यू शुड प्रॉपरली सिट डाउन एंड यू शुड पी, बिकॉज उससे गंदा भी नहीं होगा बाथरूम, एंड आपको ऐसे टॉयलेट सीट से यूटीआई हो नहीं सकता है। इट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल बिकॉज हमारी स्किन का पॉइंट होता है हमें प्रोटेक्ट करना। तो आपका यूरेथ्रा, आपका पी वाला पार्ट तो टॉयलेट सीट को छू नहीं रहा है, तो बैक्टीरिया उड़ के तो अंदर नहीं पहुंच जाएगा। जो छू रहा है वो आपके थाइस का स्किन है, एंड स्किन आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है, सो यू कांट गेट ए यूटीआई फ्रॉम टॉयलेट सीट। ओके तो फिर यूटीआई क्यों होता है, कुछ उसका रीजन बता देंगे? यूटीआई होता है इसलिए क्योंकि हम सुसु रोक के रखते हैं, ओ नॉट पीइंग इन टाइम, नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। सुसु रोकने से किडनी स्टोन्स का भी चांस बढ़ जाता है, तो सॉरी कम पानी पीने से भी किडनी स्टोन्स का तो चांस यू बढ़ शुड जाता है। स्टे हाइड्रेटेड, पानी पिए अच्छे से जाएं, एंड एब्सोल्युटली आई थिंक यू शुड वॉश आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, तो भी शायद थोड़ा बेटर फील होता है। ओके अगर वॉश कर रहे हैं तो उसको ड्राई जरूर करें, ड्राई बिकॉज मेरे करें। बहुत सारे पेशेंट्स हैं यहाँ पे, उनको फंगल हो जाता है। ओके गर्मी में तो बहुत तेज फंगल पकड़ता है, बिकॉज वो गीला गीला पे ऐसी अंडरवेयर पहन लेते हैं, फिर अंडरवेयर दिन भर गीली रहती है, फिर मॉइस्चर हो जाता है, दाने हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो मेक श्योर यू वाइपिंग ऑल्सो प्रॉपरली इफ यू आर वॉशिंग आफ्टर दी। तो ये सारा हमने गर्ल्स के बारे में बात करी, बॉयज को भी इस एज में, टीनेज बॉयज को भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं साइज को लेके, बॉडी इमेज को लेके, मास्टरबेशन को लेके। थोड़ा सा ज्ञान हमारे लड़कों के लिए भी दे दे।
कि व्हाट आर तो लाइक बॉडी इमेज को लेके भी और साइज को, तीन क्वेश्चन पूछे मैंने मास्टरबेशन, क्योंकि हमारे पास टाइम कम पड़ रहा है, सो मैंने एक ही क्वेश्चन में इसको वो कर दिया है, आप प्लीज बताओ। यंग बॉयज के लिए अनफॉर्चुनेटली इतना कॉन्वर्सेशन नहीं होता है, लड़कियों के लिए तो बहुत मिल जाता है. तो आई एम वेरी ग्लैड आप इस बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज बॉयज की भी मतलब वही सेम इश्यूज है जो लड़कियों को है, बॉडी इमेज का. लड़कों को बहुत ज्यादा ये पढ़ा दिया जाता है भाई कि साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू शुड हैव अ बिग पीनिस. बिग पीनिस नहीं है तो आप मतलब क्या स्मॉल मर्द डिक नहीं है, एनर्जी मर्द बोलते हैं आप. मर्द हाँ आपकी मर्दानगी लिंक हो जाती है, मतलब ऐसे बोल दीजिए कि भाई लड़की के पैर बहुत बड़े हैं इसलिए वो कम लड़की है, ऐसा थोड़ी होता है. तो कोई भी रैंडम एसोसिएशन बना दीजिए. वो उनको सूट करती है ना कुछ भी। हाँ तो ये तो एकदम अनवर्ल्ड कोई भी एसोसिएशन ऐसे बना दिया हाँ, है नहीं, पर बेचारे तो बॉयज तो बिल्कुल ही नहीं बात कर पाते, गर्ल्स तो फिर भी आपस में बिल्कुल डिस्कस कर नहीं. लेती है। हाँ सो व्हेन आई लड़कियों में टेक इतना अच्छा पीयर वर्कशॉप्स, नेटवर्क कम एंड होता टेल है. मी कि मैम हमसे तो कोई बात ही नहीं करता इस बारे में। लड़कियों में तो बहुत अच्छा प्योर नेटवर्क होता है, सब अपने बेस्ट फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स के साथ सब बातें करते हैं, लड़के नहीं करते हैं. एंड दैट इज तो व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट कि उनको ये डॉक्टर, पता है कि हाँ संध्या, एक किसी बच्चे ने मुझे पूछा कि मैम जब मैं एक उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे बात कर रही थी कि मैं मास्टरबेट नहीं करता, तो इट वाज लाइक, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि इट इज गुड और बैड और हाउ ऑफन, थोड़ा गाइड करो बच्चों को। इट्स अ पर्सनल चॉइस. अगर आपको लगता है कि ना मास्टरबेट करने से आपको कोई फायदे हो रहे हैं, कोई मेंटल हेल्थ बेनिफिट हो रहा है, तो देन डोंट डू इट. बट ऐसा नहीं है कि मास्टरबेशन से कोई इल इफेक्ट होता है. मास्टरबेशन आपको हार्म नहीं करता है. ये उसके मतलब ऑब्वियसली नॉर्मल अमाउंट में, अगर आप ऑब्सेसिवली कर रहे हैं, अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आप दिन भर बैठ के सिर्फ मास्टरबेट कर रहे हैं, देन इट्स अ प्रॉब्लम. बट नन इज एडिक्शन, सेक्स इट्स एडिक्शन। नॉट. हाँ हम एडिक्शन, इसको मास्टरबेशन को हम एक एडिक्शन क्लासिफाई नहीं करते हैं एक्चुअली अभी मेडिकली, बट कंपल्सिव मास्टरबेशन से हम बोलते हैं. एंड ऐसा हो सकता है कि आपका अनहेल्दी लेवल पे मास्टरबेशन हो रहा है. हेल्दी अनहेल्दी आप व्यक्तिगत होता है, लाइक पीपल विल डिसाइड व्हाट इज हेल्दी फॉर देम, व्हाट इज अनहेल्दी फॉर देम. बट ये जरूर है दैट अगर वो आपकी नॉर्मल लाइफ में इंटरफेयर करने लगे, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि यू वांटेड टू स्टे होम एंड मास्टरबेट, या आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स खराब हो रही हैं, देन इट इज अ कंपल्सिव इशू, देन इट्स अ प्रॉब्लम. विद दैट सेड, नो फैप वाला जो ट्रेंड होता है उसकी कोई फिजिकल मेडिकल बेनिफिट्स नहीं होते. मेंटल अगर आपको क्लैरिटी एजिलिटी आ रही है तो मस्त करिए, मुझे कोई मतलब वो नहीं है. बट देर इज दिस मिस इन्फॉर्मेशन दैट मास्टरबेट ना करने से टेस्टोस्ट्रॉन बढ़ जाता है, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, इतना नेग्लिजिबल अमाउंट होता है वो सब. दैट इट्स अ पर्सनल चॉइस. इट्स लाइक सेइंग कि मैं बहुत कूल हूँ क्योंकि मैं नाचता नहीं हूँ. अरे नहीं नाचना है तो बंद नाचो. ऐसा नहीं है कि नाचने से कोई नुकसान हो जाएगा आपको लाइफ में. सो इट्स प्योरली योर पर्सनल चॉइस, आपको वो करना है करो, नहीं करना नहीं करो, कोई एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग इट पर्सनली, कोई किसी को तंग नहीं कर रहे हो, है ना। एब्सोल्युटली. एंड इट इज द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एक्सप्रेशन. मतलब आपको कोई एसटीआई का डर नहीं, कोई एज का कंसेंट का डर नहीं, कोई प्रेगनेंसी का डर नहीं. अपना ही अपने हाथ में सब कुछ है. हाँ, हैंडसम, हेल्पिंग यू। ओके, तो एक मुझे जो आपसे फेवर चाहिए कि पेरेंट्स को एक ये मैसेज देना है कि लाइक सेक्सुअल प्रेफरेंसेस की, अगर वो टुवर्ड्स होमो सेक्सुअलिटी है या सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लेके, पेरेंट्स बच्चों को बहुत ह्यूमिलिएट करते हैं। आज भी हमारे समाज में घर में ही एक्सेप्टेंस नहीं है, फॉरगेट अबाउट कि बाहर उसको एक्सेप्टेंस मिल रही है कि नहीं। अभी रिसेंटली मैं एक स्टूडेंट को मिली थी, उसको क्लास में ह्यूमिलिएट किया जाता है, टीचर्स को पता नहीं उस चीज को कैसे हैंडल करें। तो उसके लिए थोड़ा एक मैसेज, आई वुड वॉन्ट यू टू डिलीवर दिस मैसेज टू ऑल दोज पीपल लिसनिंग टू अस एंड हाउ सो वी कैन होमोसेक्सुअलिटी मेक इज इट समथिंग, मोर एक्सेप्टिंग। आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट होमोसेक्सुअलिटी इज समथिंग वी सी इन नेचर ऑल्सो. ये ह्यूमन इकलौता स्पीशीज नहीं है जिसमें होमोसेक्सुअलिटी होती है, ये डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशंस होते हैं. बहुत सारी स्पीशीज में ऐसा दिखता है. मेरी बुक में एक्चुअली इस बारे में काफी बात करी है मैंने, कि जैसे अलग अलग प्रेफरेंसेस होती हैं, अलग अलग चॉइसेस होती हैं. ये भी एक आई वोंट से इट्स अ चॉइस, बट इट इज समथिंग यू आर बॉर्न विद, इट्स नॉट समथिंग यू कैन चेंज. आपको अगर मतलब सबके अपने अपने पर्सनैलिटी
पर्सनालिटी इज द रॉन्ग वे टू पुट इट, सबके अपने अपने ओरिएंटेशन होते हैं लाइफ में. अब मेरे बाल अगर कर्ली है तो है, ऐसा तो नहीं है कि मेरे बाल कर्ली है इसलिए मैं खराब इंसान हूँ. तो अगर कोई अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर कर रहा है, कोई अगर अपने आप को आई डोंट नो पैन सेक्सुअल मानता है, कोई अगर अपने आप को बाई सेक्सुअल मानता है, वो उनका अपना डिसीजन है कि वो किस तरह से अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करें, किस तरह से एम्ब्रेस करें, किस तरह से एक्सप्रेस करें. तो आई थिंक ये बड़ा प्रॉब्लम है कि मतलब हम पूरी दुनिया को सिखाते रहते हैं ऐसे नहीं ऐसे करो, लोगों को अपने तरह से जीने देते हैं ना, हाँ, क्योंकि इट्स नॉट अननेचुरल एट ऑल, इट इज जस्ट समथिंग दैट इज यू नो, जैसे वेरी किसी की नाक नेचुरल। लंबी होती है, किसी की नाक टेढ़ी होती है, किसी की नाक गोल होती है, वैसे ही कोई कोई लेस्बियन होता है, कोई गे होता है, कोई स्ट्रीट होता है, कोई पैनसेक्सुअल होता है, हर तरह के मतलब अलग अलग वैरायटी है. तो बढ़िया चीज है ना, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ. या दैट्स ट्रू कि हम एक्सेप्ट कर लें जो जैसा है उसको, फिर तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। अगर हम सबको जो जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कर लें, प्रॉब्लम तो यही है, हम सबको कुछ और बनाने में लगे रहते हैं कि यही लाइफ तुम्हारे की यही बाल प्रॉब्लम कर्ली है. हैं तो तुम स्ट्रेट क्यों नहीं करती हो, तुम्हें स्ट्रेट नहीं है, हाँ स्ट्रेटनर भी भेज सकते हैं या उसके लिए लोशंस या डॉक्टर्स भी सजेस्ट कर सकते हैं, अगर तुम परमानेंट ट्रीटमेंट ले लो। आई एम श्योर इट वुड हैव हैपन टू यू ऑल्सो। तो कुछ हाँ ऐसा हुआ, बहुत. कुछ इंटरेस्टिंग एपिसोड तुम्हारे साथ भी वेयर यू फेस्ड समथिंग लाइक दिस, सम बॉडी शेमिंग और बालों को लेके? आप पार्लर जाके बैठ जाओ तो मैम आपके बाल ऐसे हैं तो ऐसे करवा लो इनको, अगर कलर करते हो तो कुछ ना कुछ आपके बारे में वो स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज दैट्स देयर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। पर लोगों में कभी, लाइक यू आर ऑन सोशल मीडिया और 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो आई एम श्योर कुछ ऐसे वैसे कमेंट्स भी आते हैं बिकॉज यू ओपनली टॉक अबाउट इट। डेली रोज कोई ना कोई आके ज्ञान देता है, आप हिंदुस्तान का कल्चर भ्रष्ट कर रही हैं, आपको साइंस नहीं आती है, आपको किसने डॉक्टर बना दिया, इतनी मोटी क्यों हो, और बाल ऐसे क्यों हैं, और क्यों बोलती हो ये सब, बहुत ज्ञान देने आते हैं लोग. तो कभी फिर आप कैसे हैंडल करते हैं वो? कभी मन करता है तो थोड़ा बहुत रो लेती हूँ, बट मोस्टली कोशिश करती हूँ ध्यान ना दूँ. तो एक डॉक्टर क्यूट्रिस की तरफ से हमारे बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए एक अच्छा सा मैसेज, विच कैन बी रियली लाइफ चेंजिंग फॉर देम। लाइफ चेंजिंग में एचपीवी वैक्सीन सबको लगवाना चाहिए, लड़कों को भी लड़कियों को भी, स्पेशली लड़कियों को, बिकॉज ये जो यूट्रस होता है ना, हमारे यूट्रस का सबसे नीचे का जो पार्ट होता है, इसको हम सर्विक्स बोलते हैं, एंड सर्विक्स का कैंसर इंडिया का अर्बन लोगों में सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है. इट इज वेरी वेरी कॉमन, बट वी डोंट टॉक अबाउट इट इनफ. एंड इस कैंसर के साथ सबसे इंटरेस्टिंग बात एसोसिएटेड ये है दैट देयर इज अ वैक्सीन टू प्रिवेंट दिस कैंसर. ऐसा दुनिया में कोई कैंसर नहीं है जिसके लिए वैक्सीन होती है इसके अलावा. एंड इट्स फैंटास्टिक. आप व्हाट्स द राइट एज? थोड़ा ये अगर आप पंद्रह जानकारी साल हम से कम कहाँ के से हैं, जाके लगवा सकते हैं? ऑथेंटिसिटी कैसे पता कि ये सही है? तो आप किसी प्राइवेट गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो आपको गाइड करेंगे. आपकी एज के हिसाब से आपको डोजेस लगेंगे. अगर आप 15 साल से कम के हैं तो 2 डोज लगेंगे, 15 साल से ऊपर के हैं तो 3 डोज लगेंगे. 9 ईयर्स टू 45 ईयर्स तक हर कोई ये वैक्सीन लगवा सकता है, लगवानी भी चाहिए. एंड ये आपको सर्विस के कैंसर के अलावा और भी कैंसर से प्रोटेक्ट करता है. ये सारे कैंसर जो है एचपीवी नाम के एक वायरस से, एक वायरस की फैमिली की वजह से होते हैं, एंड ये वैक्सीन एचपीवी के अगेंस्ट होता है. तो अलग अलग ब्रांड्स आते हैं इंडिया में, 3 ब्रांड्स आते हैं, गार्डासिल 9, गार्डासिल 4 और सर्वावैक. इनकी अलग अलग कॉस्ट है. कॉस्ट रेंजेस फ्रॉम 2,000 पर डोज, 2,000 पर डोज, हाँ 2,000 पर डोज टू 10,000 पर डोज. एंड इसको जरूर से लगवाइए. आइडियली आप इसको यंग एज पे लगवाइए, यू गेट बेटर प्रोटेक्शन, बट अगर यंग एज पे नहीं लग रहा है तो बड़े होके भी प्लीज लगवा जरूर से लीजिए. तो जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग, बॉयज के लिए क्यों? बिकॉज ये सिर्फ सर्विकल कैंसर नहीं, ये कैंसर ऑफ द एनस, कैंसर ऑफ द पीनस, कैंसर ऑफ द बैक ऑफ द थ्रोट एंड माउथ, हेड एंड नेक के कैंसर्स, ओरल कैंसर, इन सब से प्रोटेक्ट करता है. थैंक यू सो मच डॉक्टर क्यूट्रिस फॉर टेकिंग आउट टाइम। इट वॉज प्लेजर हैविंग यू, और मैं कह सकती हूँ मेरा सौभाग्य है। कीप इंस्पायरिंग एंड गाइडिंग पीपल, एंड ये मिथ्स ब्रेक करते रहिए। हमारे जैसों को भी हिम्मत मिल रही है इस एज में। व्हेन आई सी योर वीडियोज मुझे लगता है वो, अगर इफ शी कैन डू इट आई कैन ओपन माई माउथ टू। थैंक्स अ लॉट, So happy to hear that. Thank you for having me, Auntie. थैंक यू सो मच।